नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हर प्रेगनेंसी अपने आप में अलग और स्पेशल होती है। अर्ली टाइम में यानी शुरुआती समय में बहुत से ऐसे कॉमन सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई देते हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि ये सभी सिम्टम्स आप में दिखाई दें, हर प्रेग्नेंट वुमेन टू वुमेन ये वेरी कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जानेंगे अर्ली टाइम में दिखाई देने वाले इन कॉमन सिम्टम्स को। इनके लिए आपकी जागरूकता आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि इन्हें जान के आप जितना जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और उसके पॉजिटिव आने पे जितना जल्दी मेटर्निटी सेंटर अपनी डॉक्टर से संपर्क करेंगे, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी प्रीनेटल केयर इसकी वजह से बहुत जल्दी आप शुरू कर सकते हैं। विटामिन सप्लीमेंट्स और जो दूसरे ज़रूरी मेडिकल एडवाइस या टेस्ट हैं वो जल्दी शुरू हो सकता है, बेबी के लिए ये हेल्दी रहता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जानते हैं अर्ली टाइम में दिखाई देने वाले, प्रेगनेंसी को सजेस्ट करने वाले इन कॉमन सिम्टम्स को और उनसे जुड़ी जानकारी को। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही आने वाले हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी की सही गाइड के लिए। Keep watching. शुरुआती समय में दिखाई देने वाले कॉमन और प्रमुख लक्षणों में यहाँ सबसे पहले बात करते हैं मिस पीरियड के बारे में, यानी मंथली पीरियड का मिस होना। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, पीरियड्स रेगुलर हैं, कोई हार्मोनल इश्यूज नहीं है, तो चाइल्ड बेयरिंग एज में पीरियड्स का मिस होना एक वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल साइन होता है, आपकी प्रेगनेंसी को ये सजेस्ट करता है। लेकिन अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, कोई और मेडिकल इश्यूज है जिसकी वजह से पीरियड मिस हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसे जरूर लीजिए। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। वैसे तो हम इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, लेकिन डे या नाइट ये किसी भी टाइम आपको हो सकता है। स्पेशली प्रेगनेंसी के ये 4 से 6 सप्ताह के बीच में होता है। प्रेगनेंसी के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इसके लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी घबराना, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। कुछ प्रेगनेंट वीमेन में इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। लेकिन अगर आप बहुत लगातार बीमार महसूस कर रहे हैं, यानी उल्टी की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो रही है, आप अनकंफर्टेबल हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर से बात कीजिए। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं, उनको आप डिस्कस कीजिए। आपके और बेबी के लिए जो सेफ हो आपको वही चीज़ें अपनानी है। और कॉमन सिम्टम्स में यहाँ पे है सोर टेंडर ब्रेस्ट की फीलिंग का होना। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। पीरियड्स के पहले हार्मोनल चेंज की वजह से आपको जिस तरह की सोरनेस, टेंडरनेस या डिसकंफर्ट महसूस होता है, कुछ इसी तरह का डिसकंफर्ट प्रेगनेंसी के स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको महसूस हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी इन हार्मोनल चेंजेस के लिए एडजस्ट होती जाती है, ये डिसकंफर्ट भी थोड़ा ईज अप हो जाता है, आपको थोड़ा आरामदेह महसूस होता है। और आगे जिस कॉमन लक्षण की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, बढ़ती हुई प्रेगनेंसी के साथ और भी प्रोग्रेस करता है और भी फ्रीक्वेंट हो जाता है, जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार यूरिन पास करना। डे और नाइट दोनों ही टाइम ये लगभग बराबर रहता है, कोई फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे फ़र्क नहीं आता। ब्लड का अमाउंट जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान मदर की बॉडी में बढ़ जाता है, बेबी को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, फूड की सप्लाई के लिए, जिसकी वजह से किडनी को एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रोसेस करना पड़ता है, जो अल्टीमेटली एंड अप होता है आपके ब्लैडर में। ब्लैडर जल्दी जल्दी भरा हुआ महसूस होता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। प्रेगनेंसी की अर्ली टाइम में दिखाई देने वाला एक वेल नोन कॉमन सिम्टम जो है यहाँ पे, कि प्रेगनेंसी में डिफरेंट टेस्ट आपको फील होना, स्मेल्स के लिए आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा अलग हो जाना, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के लिए क्रेविंग्स का होना।
अर्ली प्रेगनेंसी में ये बहुत ही कॉमन होता है, जो फूड यानी कि खाने की चीज़ें आप पहले पसंद करते थे इस अर्ली टाइम में आपको ज़्यादा पसंद ना आए, दूसरे दूसरे डिफरेंट फूड के लिए आपकी क्रेविंग्स हो जाए, सॉल्टी या स्वीट फूड के लिए यानी कि चॉकलेट्स के लिए क्रेविंग्स हो सकती है, पिकल के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो सकती है, स्मेल के लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस करते हैं, स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट फूड की जो स्मेल होती है उसके लिए आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। कुछ प्रेग्नेंट वीमेन में टंग पे आपको मेटालिक टेस्ट भी फील हो सकता है, कॉमन है, नॉर्मल है। लास्टली जिस लक्षण की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो बहुत ही कॉमन होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी लगभग 4 से 12 वीक के बीच में, वो है ज़्यादा थकावा महसूस करना, फटीग या टायर्डनेस की फीलिंग होना। इसके साथ आप ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं, थोड़ा सा अपसेट महसूस हो सकता है, ज़्यादा स्लीपी यानी नींद आना महसूस हो सकता है। बहुत कॉमन है ये, तो इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। प्रोजेस्टेरोन नाम का हॉर्मोन जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात कॉमन सिम्टम्स के बारे में, अब जान लेते हैं कुछ एक लेस कॉमन सिम्टम्स के बारे में जो प्रेग्नेंट वुमेन में दिखाई दे सकते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी को सजेस्ट कर सकते हैं। लाइट स्पॉटिंग आपको हो सकता है अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, क्रैम्पिंग महसूस कर सकते हैं, नेजल कंजेशन की फीलिंग यहाँ पे हो सकती है, थोड़ी सी मूडीनेस हो सकती है, मूड स्विंग होता है, बार बार आपके मूड का चेंज होना, कॉन्स्टिपेशन भी यहाँ पे एक चीज़ है। इसके अलावा ब्लोटिंग भी आपको महसूस हो सकती है, यानी आप कंपैरेटिवली ज़्यादा भरा हुआ महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, इन कॉमन सिम्टम्स को नोटिस करते हुए अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऑलमोस्ट एक कन्फर्म साइन है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ऐसे सिचुएशन में अपने नियरेस्ट मेटर्निटी सेंटर में ज़रूर से संपर्क कीजिए, अपनी प्रीनेटल केयर ज़रूर से शुरू कीजिए, आपके और बेबी के लिए ये हेल्दी रहेगा। इन सिम्टम्स को नोटिस करते हुए अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आप कुछ सप्ताह के लिए वेट करके, कुछ दिनों के लिए वेट करके दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे अर्ली टाइम में दिखाई देने वाले, प्रेगनेंसी को सजेस्ट करने वाले कॉमन सिम्टम्स जो आपकी प्रीनेटल केयर को जल्दी शुरू करने में मदद करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी में ज़रूर से ये योगदान देगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी के लिए आने वाली बहुत सी सही जानकारी के लिए बेल आइकन को आप दबा सकते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू अ हेल्दी प्रेगनेंसी।